तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बोया माइक का अनबॉक्सिंग। तो ये रहा इसका पैकेट, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। प्लास्टिक का पैकेट जो है आता है और इसके जब भी हम खोलेंगे तो ये रहा बॉक्स। ये कुछ चपटा हो गया, लगता है कोई इसके ऊपर बैठ गया था। चलिए खोलते हैं। इसके अंदर एक पैकेट मिलता है जो प्लास्टिक का होता है, बबल पैकेट है। ये लड़कियों को देंगे या फिर बच्चों को देंगे तो ये बहुत मज़ा करते हैं, फटता है कुछ। तो ये रहा मेरा घर का एड्रेस, हटा देते हैं। ये रहा बॉक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जब पहली बार नज़र में हमने खोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये बहुत दिन का एक इंतज़ार था। तो ये रहा PYM1 और लोगो भी लिखा हुआ है। इसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन है जो आप मैनुअली जैसे देख सकते हो, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। और बारकोड है जिससे आप ओरिजिनल डुप्लीकेट का पता लगा सकते हो। दिखने में बहुत खूबसूरत है और ये आप लटका के भी रख सकते हो। पैकेट को खोलेंगे तो अंदर ये रहा एक लेदर टाइप का एक पैकेट है, बैग जैसा है इसके अंदर, और बाकी कुछ नहीं है। इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ मैनुअल है जो मैक्सिमम लोग पढ़ते नहीं है, फेंक देते हैं। कोई बात नहीं, आप इसको भी देख सकते हो। अंदर जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा कि क्या है, कौन सा सेटिंग है, किसके अंदर बैटरी भट डालना होता है, सब कुछ है। लगाने का जो है सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसको हम साइड में रखते हैं, अब चलते हैं। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिलता है जो मैक्सिमम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर वारंटी जो है लिखा हुआ है नाम हम, तो इसको हम रख देते हैं। अब चलते हैं ओरिजिनल चीज पे जिसके हम इंतज़ार कर रहे थे। इसका ये प्रिंट जो है मुझे बहुत पसंद आया, बोया लिखा हुआ है। और ये रहा इसके अंदर, ये कुछ थैला जैसा दिखता है, कैरी करने में बहुत मज़ा आएगा, छोटा सा, ठीक है। तो ये आप लटका के रख सकते हो। अब चलते हैं हम इसके ओरिजिनल चीज़ जिसका नाम है बोया का माइक, ये चलते हैं। इसके अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से पैकिंग करके रखा हुआ है। इसके अंदर कुछ टुकड़ा टुकड़ा कुछ दिखेगा एक पैकेट के अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं है, रख देते हैं साइड में। और ये पैकेट के अंदर क्या है हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। पहला जो आता है ये सिलिका जेल। आप ये किस लिए देता है मैं बता देता हूँ। ये मैक्सिमम टाइम पे मैं जो है मॉइस्चर ना आए इसके लिए दिया जाता है, इसको खाइएगा मत, ठीक है। और ये रहा पैकेट, पैकेट के अंदर आपको बैटरी, ये कुछ कार्ड मिलता है, वारंटी वारंटी जैसे कुछ दिखता है। और इसके अंदर आपको मिलता है ये वाला पैकेट, इसके अंदर बैटरी फोम वोम सब कुछ दिया हुआ है। ये रहा माइक। और इसके पहले अगर देखेंगे तो वायर जो है काफ़ी लंबा है, 20 फीट तक लंबा होता है। ये रहा माइक जिससे आप बात करोगे, बीच में ये आता है कंडेंसर जो है आप इसमें यूज़ करोगे, बैटरी वैटरी डालना होता है। और ये रहा वायर, ये बहुत लंबा वायर होता है, ठीक है। और ये रहा 3.5 mm जैक, इसके बारे में हम एक एक करके दिखाते हैं। दरअसल ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये मुझे लगता है ये मेटल का है, क्योंकि ये बहुत भारी भारी लग रहा था, तो ये मेटल का है। इसको खोलेंगे तो इसके अंदर बैटरी आपको डालना होगा, ठीक है। तो बैटरी जो है आपको पैकेट में मिल जाता है, जो मैंने अभी भी दिखाया ये वाला पैकेट के अंदर बैटरी है, फोम भी है, और सब कुछ मैं आपको एक एक करके लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये रहा माइक जिसमें आप बात करेंगे तो आवाज़ इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर एक क्लिप लगाना होता है, जो क्लिप आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये क्लिप आपको लगाना होगा। ये रहा इसका क्लिप, ये मेटल का है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको आप लगाइएगा अपना हिसाब से, लेफ़्ट साइड राइट साइड के हिसाब से आप लगा दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। ये आपको पहले करना होगा ऐसे, बाएं हाथ में उसको पकड़ना है और दाएं हाथ से आपको इसको क्लिप को लेफ्ट और साइड के हिसाब से एडजस्ट करना है। इसके अंदर आपको ऐसे अंदर नहीं घुसाना है, ठीक है। इसको आपको बाहर से ऐसे क्लिप करके आप लेफ्ट साइड के हिसाब से या फिर राइट साइड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा सा प्रेस करना है और ये लग जाएगा, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब चलते हैं इसके अंदर हम बाकी का जो इसका फोम है, इस फोम को आपको लगाना होगा। ये एक ही आता है इसके साथ, तो इसको बहुत सावधानी से आपको लगाना होगा, कहीं फट ना जाए, सावधान से आपको लगाना होगा। इसको आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको ऐसे घुमाना होगा। अब चलते हैं इसके बारे में, बाकी का जो है ये आपको मिलता है बैटरी। ये आपको अंदर जो है आपको लेफ़्ट और राइट के हिसाब से देख सकते हो, आपका जो बैटरी है वो भी आप देख लीजिएगा किस तरह से लगाना है, गलत मत लगाइएगा। इसको आप देख के सावधानी से लगाइएगा। और इसको हम ऐसे लगा देते हैं, तो लगाने के बाद आप देखोगे तो ये जो बैटरी है वो बहुत आसान तरीके से अंदर चला जाता है। और इसके बाद आपको इसको जस्ट बंद कर देना है। तो इतने देर से जो भी आप आवाज़ सुन रहे थे वो बोया से ही रिकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन ये मैं घर के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा था। अभी मैं आपको घर के बाहर लेके जाऊंगा और पूरा डिटेल में सुनाऊंगा कैसा क्या रिकॉर्डिंग वीडिंग होता है। इससे पहले मैं इससे शूट करता था वीडियो, और ये रहा घरेलू जुगाड़, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है। अगर आप ये देखो बहुत बड़ा लंबा है,
अगर आप जानना चाहते हो कि घर में जो माइक है, जो हेडफोन होते हैं, उसे आप यूज़ करके कैसे वैसे ऐसा माइक बना सकते हो, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। ये रहा बोया का माइक और ये रहा माइक, और ये अंदर होता है। जनरली ये बाहर रहता है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, आपको अंदर जो है टी शर्ट के अंदर छुपा के रखना है, थोड़ा सा बाहर आएगा तो फोम अगर रखेंगे तो आवाज़ जो है थोड़ा सा नॉइज़ जो है वो अच्छा मतलब रिमूव होता है बाहर से। तो ये रहा, ये DSLR के लिए होता है। अगर आप DSLR यूज़ करते हो तो इसको इसके अंदर घुसा के, आप DSLR के अंदर घुसाओगे तो ये चलेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ ये कैसा साउंड आता है। ये नीचे कमेंट करके बताना कि कितना फ़र्क आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक है, कैमरा है, और स्मार्टफोन के लिए भी साउंड जो है दिया गया है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर स्विच है, उस स्विच को भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ बाहर अभी बहुत सारा नॉइज़ तो आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि साउंड जो है आपको कैसा सुनाई दे रहा है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।